आज के दिन आपको MDK के न्यू रेसलिंग गेम के टॉप 5 फीचर्स बताने वाला हूं, जिनके बारे में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं एंड आपको भी काफी ज्यादा एक्साइटेड उनके बारे में होना चाहिए, हाइप होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा उन्हीं 5 फीचर्स के बारे में, आपको रहना इसी वीडियो में मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार एक लाइक जरूर से कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस जो फीचर नंबर 1 है वो है यहाँ पे मोर डिटेल्ड आइटम्स। जी हाँ गाइस, अगर आपने खेली होगी रेसलिंग रेवोल्यूशन 2D या फिर रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D जैसे कि मैं यहाँ पे आपको खेल के फिलहाल दिखा भी रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि जो काफी सारे आइटम्स हैं वो यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर में ज्यादातर रहते तो हैं, पर उनका जो डिटेल्ड है वो इतना ज्यादा बढ़िया नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको ये कैमरा उठा के दिखाता हूँ, जो आप देख सकते हैं जो मेरे पे यहाँ पे कैमरा पड़ा हुआ है, इसको मैं उठा के एक बार आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने कैमरा उठाया, आप देखो इसका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा डिटेल नहीं दिख रहा आपको, लाइक ये खिलौने सा लग रहा है एंड जितना ज्यादा अच्छा लगना चाहिए उतना ज्यादा अच्छा यहाँ पे वो नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पे मार के भी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को, तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है एंड यहाँ पे मैट का स्ट्रक्चर भी उतना ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे आप नए वाले गेम में देखिए कैमरा कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे HHH के हाथ में आप देख रहे होंगे एंड यहाँ पे काफी ज्यादा डिटेल लग रही है इस कैमरे में, ऐसा लग रहा है कि रियल कैमरा ही है यहाँ पे। एंड मैट का स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दूं तो देखो गाइस कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है यहाँ पे ये मैट का स्ट्रक्चर जो मैं आपको अभी फोटो में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो आपका क्या टेक है डिटेल्ड आइटम्स के बारे में एंड क्या अब आपको रियल वाली फील आने वाली, आपको ऐसा ही लगने वाला है जैसे यहाँ पे आप रियल वाली गेम खेल रहे हैं, तो आपका क्या टेक है इस बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट टेक्सचर। जैसे कि आप यहाँ पे पुराने गेम्स में देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे ओल्ड सा लग रहा है, पुराना सा लग रहा है एंड यहाँ पे आप देखिए ज्यादा डिटेल भी नहीं है इसमें, ऐसा लगता है काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, चाहे वो रेसलिंग रेवोल्यूशन 2D का हो चाहे वो हो रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D का। बट अगर आप यहाँ पे नया टेक्सचर देखेंगे, मैं आपको नया फोटो दिखा रहा हूँ, बिल्कुल नई इमेज, आप इसमें देखिए कितना ज्यादा डिटेल लग रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड देखो गाइस, बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, यहाँ पे आपको बाहर के जो एरिना के बाहर का एरिया है वो दिख रहा है एंड यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट देखो ज्यादा डिटेल लग रहा है, लाइटिंग ज्यादा अच्छी है इसकी एंड यहाँ पे क्लॉज नाम का एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। सो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट जो है ज्यादा डिटेल लग रहा है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड चेंज यार अच्छा ही होता है, सो एक नई फीलिंग आपको देने वाला है। बाकी आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑल एरास। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D खोल रखी है हमारे नॉर्मल वाली एंड उसमें आप देखो न्यू एरा पे थोड़ा ज्यादा फोकस करा हुआ है। चाहे आप मैं आपको यहाँ पे रॉ का रोस्टर दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सुपरस्टार्स हैं वो सारे ही करंट वाले सुपरस्टार्स हैं, यानी कि जो करंट सुपरस्टार्स हैं उन पे गेम का ज्यादा हमेशा से फोकस रहता है एंड यहाँ पे पुराने जो सुपरस्टार्स हैं यानी कि जो ओल्ड सुपरस्टार्स हैं जो लेजेंड्स जिन्हें हम कहते हैं वो यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिलते एंड कुछ जो मिड एरा के सुपरस्टार्स थे वो भी हमें देखने के लिए नहीं मिलते, जैसे कि एटीट्यूड एरा वगैरह के जो सुपरस्टार्स हैं वो भी हमारे साथ आज यहाँ पे इस गेम के रोस्टर में वो हैं नहीं है। चाहे आप रॉ का देख लीजिए, चाहे आप स्मैकडाउन का देख लीजिए, NXT का देख लीजिए, चाहे आप किसी का भी देख लीजिए, यहाँ पे AEW का रोस्टर भी देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको कोई भी पुराना सुपरस्टार देखने के लिए नहीं मिलता। बट अब आप यहाँ पे एक इमेज देखिए नए वाले गेम में, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कर्ट एंगल एंड यहाँ पे आप देखो उनके ड्रेसेस पहले तो उनके डिटेल काफी ज्यादा अच्छा है एंड यहाँ पे उन्होंने बताया है ऐसा MDK ने कि इस गेम में वो एक नया मतलब कि बोल सकते हैं कि सारे एरास को इंक्लूड करने वाले हैं। यहाँ पे आपको न्यू एरा भी मिलेगा, आपको पुराने वाला एरा भी मिलेगा एंड शायद एटीट्यूड एरा भी आपको इस गेम में मिलने वाला है। सो मैं तो काफी ज्यादा एंजॉय करूंगा अगर मुझे लेजेंड्स एंड करंट सुपरस्टार्स एक साथ मिल जाए, यानी कि रोस्टर काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है एंड मैं पर्सनली इस फीचर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। सो गाइस यहां पे जो फोर्थ और एक और एक्साइटिंग फीचर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेपरेट विमेंस रोस्टर। या गाइस अगर आप देखें यहां पे मैंने सेम फिर से रोस्टर खोला हुआ है, तो यहां पे आपको रोस्टर में एक स्टेफनी मैकमैन दिख रही है यहां पे रॉ के रोस्टर में एंड यहां पे आपको एक जेलिना वेगा मिल रही है विमेन रेसलर, उसके अलावा और कोई भी रेसलर यहां है ही नहीं एंड इवन जो ओरिजिनल गेम है उसमें भी जो विमेन रेसलर है वो एक ही साथ है यहां पे रोस्टर में एंड प्लस उनके लिए कोई अलग से चैंपियनशिप नहीं है एंड वो कम्पीट भी इवन करती हैं मेंस चैंपियनशिप के लिए ही। सो यहाँ पे ये चीज अब चेंज होने वाली है एंड आप इस फोटो में देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे कि आपको अलग से विमेंस रोस्टर देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पे आपको
साशा बैंक्स एंड आस्का दिख रही होंगी एंड ये यहाँ पे इतनी ज्यादा डिटेल है, इनकी क्लोदिंग एकदम सही है कि आप इन्हें देख के बता सकते हैं कि हाँ ये आस्का है एंड ये यहाँ पे साशा बैंक्स है। दूसरी पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विमेंस चैंपियनशिप को इंक्लूड कर दिया गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सो यहाँ पे अब एक सेपरेट विमेंस चैंपियनशिप होगी एंड एमडीकी ने ऐसा बताया कि वो एक कंप्लीट विमेंस रोस्टर बना रहे हैं जो अलग से कम्पीट करेगा यहाँ पे विमेंस चैंपियनशिप के लिए ही एंड यहाँ पे इंटरजेंडर मैचेस जैसे कि वो लड़ती हैं पुराने वाले रेसलिंग रेवोल्यूशन गेम्स में वो अब यहाँ पे नहीं होने वाला। सो ये फीचर मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड लगा, काफी ज्यादा अच्छा लगा। बाकी आपका क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस जो फिफ्थ और सबसे बड़ा फीचर है वो है गो आउटसाइड द एरिना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D खेल रहा हूँ एंड यहाँ पे ये ऑफिस है एंड इसके बाहर मैं कभी भी नहीं जा सकता, चाहे कोई भी बैक स्टेज एरिया हो मैं इसके बाहर सिटी में घूमने नहीं जा सकता। पर ये चीज अब एमटीकी ने चेंज करी एंड मैं हमेशा से ये सोचता था कि काश ऐसा हो कि मैं इस एरिना से बाहर निकलूं, सिटी में घूमूं एंड मजे करूं पूरी गेम में लाइक GTA गेम्स की तरह। एंड यहाँ पे आप अब इस इमेज में देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्लेयर जो है वो बाहर निकला हुआ है सिटी में एंड वो पॉइंट आउट भी कर रहे हैं एमडीकी के लोगों की तरफ, जहां पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वो एरिना से या फिर स्टेडियम से जो है वो बाहर आ चुका है। एक और इमेज में आपको यहाँ पे सेकंड इमेज दिखा रहा हूँ, तो इस इमेज में भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों प्लेयर्स बाहर आ चुके हैं एंड वो बाहर आके यहाँ पे लड़ भी रहे हैं। जहां पे पीछे आपको हाउसेस दिख रहे हैं, ट्रीज दिख रहे हैं, यहाँ पे रोड दिख रही है एंड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये देखने में भी, तो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है एंड मैं अब इंजॉय करने वाला हूँ इस गेम को काफी ज्यादा पहले से बेहतर। तो ये हमेशा से मेरा सपना था कि यार GTA की तरह बाहर घूमूं लड़ूं एंड एमडीकी ने भी ये कंफर्म कर दिया कि ये फीचर अब आ चुका है फाइनली हमारे रेसलिंग रेवोल्यूशन में। सो गाइस यही थे वो सारे पांचों के पांचों फीचर्स जो मुझे काफी ज्यादा एक्साइट कर रहे हैं इस गेम के बारे में, मुझे लगता है आपको भी एक्साइट करेंगे जरूर से। एंड अगर आपको ये वीडियो यार पसंद आई हो तो प्लीज गाइस इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मोटिवेट करना मुझे एंड शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।